लखनऊ बिजनौर थाना क्षेत्र के सरवर नगर में तीन शव एक घर से बरामद हुए। सूत्रों की माने तो कई दिनों से मृतक के शव घर में ही पड़े हुए थे। दुर्गंध आने पर स्थानीय लोगों द्वारा बिजनौर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर बिजनौर पुलिस डीसीपी साउथ तेज स्वरूप, एसीपी विनय द्विवेदी, प्रभारी निरीक्षक अरविंद कुमार राणा समेत पुलिस बल पहुंचा और मौके पर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सूत्रों की माने तो अमृतलाल गौतम के मकान पर ये लोग किराए पर होली से चंद दिनों पहले ही रहने आए थे। हत्यारोपी माखन निवासी गोंडा बलरामपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। ये राम लगन गौतम है, ये किराए के मकान पर रहता था। इसने अपनी पत्नी की हत्या शक के आधार पर, उसके बच्चों की हत्या शक के आधार पर की है। पति को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसकी पूछताछ की जा रही है और इसकी बातें अभी थोड़ी देर में डीसीओपी से बताई जाएगी। किस हथियार से? उसने गला दबा करके और अंगोछा से गला घोट करके हत्या की। वो मौके पर खून भी पड़ा हुआ सर, बॉडी ये कैसे ठिकाने लगा था? कमरे में अभी कमरे में भर के गया था, बाकी कमरे में ही सब कुछ था। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।